जनसंख्या प्रवास और मानव विकास। प्रवास की परिभाषा, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। अर्थात चाहे एक व्यक्ति हो चाहे व्यक्तियों का समूह हो, उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है। ये प्रक्रिया प्रवास के नाम से जानी जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है वहाँ के निवासी उसे उत्प्रवासी कहेंगे और यह प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। आप्रवास, व्यक्ति जिस नए स्थान पर जाकर रहने लग जाता है उसे आप्रवासी कहते हैं और यह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। प्रवास के प्रकार, प्रमुख रूप से प्रवास दो प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसका प्रमुख कारण अधिक वेतन और रोजगार प्राप्त करना होता है। उदाहरण के लिए भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों में निवास करते हैं क्योंकि तो वहाँ उन्हें भारत की तुलना में अधिक पेमेंट प्राप्त होता है। अंतरराज्यीय प्रवास, जब कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसे अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। पुरुषों का प्रवास रोजगार के कारण और महिलाओं का प्रवास विवाह के कारण होता है। इसके अलावा भी दीर्घकालीन प्रवास और सामयिक प्रवास भी होते हैं। दीर्घकालीन प्रवास 10 वर्ष या उससे अधिक का होता है। सामयिक या मौसमी प्रवास मौसम के अनुसार होता है। रोजाना अपने स्थान को छोड़कर पुनः अपने स्थान पर आना दैनिक प्रवास होता है। स्थायी प्रवास में व्यक्ति स्थायी रूप से बस जाते हैं और अस्थायी प्रवास में व्यक्ति अस्थायी रूप से बसता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, पहले हैं प्रतिकर्ष कारक। वे कारक जो मनुष्य को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे रहन सहन की निम्न दशाएं, बेरोजगारी, धार्मिक दंगे, चिकित्सा सुविधाओं का नहीं होना, भुखमरी और प्रतिकूल जलवायु, ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आती हैं। अर्थात ये मनुष्य को उस स्थान से दूर धकेलने में योगदान देती हैं। अपकर्ष कारक, वे कारक जो मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। जैसे रोजगार की उपलब्धता, रहन सहन की उच्च दशाएं, चिकित्सा सुविधाओं का उपलब्ध होना, अनुकूल जलवायु, खाद्यान्नों की उपलब्धता, यही कारण है कि जिन स्थानों पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वहाँ जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। प्रवास के परिणाम, जनांकीय परिणाम, जनसंख्या का बढ़ना जनांकीय परिणाम होता है। अर्थात जिस स्थान पर नए लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। सामाजिक परिणाम, व्यक्ति जब नए स्थान पर जाता है तो अपने समाज के रीति रिवाज और परंपराओं, धर्म को, भाषा को वहाँ अपने साथ लेकर जाता है और इसका प्रभाव नए लोगों पर पड़ता है और वहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो जाता है। सांस्कृतिक परिणाम, जब व्यक्ति नए स्थान पर जाता है तो अपनी वेशभूषा और खान पान को भी लेकर जाता है। इससे वहाँ की संस्कृति में परिवर्तन आता है। जैसे कि अंग्रेजों के आने से भारतीय संस्कृति परिवर्तित होगी। आर्थिक परिणाम, यदि प्रवासी लोग तकनीकी ज्ञान रखते हैं अर्थात वे मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, विशेष योग्यता रखने वाले हैं तो वे जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधार देते हैं। और इसके बाद है पर्यावरणीय परिणाम, प्रवास के कारण जनसंख्या वृद्धि होने से आवास की, शुद्ध पेयजल, खाने की समस्या और आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कच्ची बस्तियों का विकास होता है और इनमें मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना मुश्किल हो जाता है।